बात है अल्ताफ हुसैन, आज तो आपने दावत दे डाली, दावत दे डाली, वो भी खजूर होगी। चलो हम भी आगे निकल जाएंगे, हमने पार्टी इधर की बदल ली है ना। और जितनी सवारियां थी माशाल्लाह, और सामान भी दिखाते हैं, चले ओपन करें डिग्गी को। हाँ देखें, ये देखें, और माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम घर जा रहे थे लेकिन बारिश रास्ते में पहुंच गई। वाह जी वाह, क्या लाजवाब मौसम है, और इधर क्या वीआईपी जवाब मौसम है। ओ नहर तो देखो इतनी तौर बह रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं नहा लूं। ऐसे मौसम में दिल करता है ऐसे बह रहे। हाँ जी, अच्छा इधर जो बैठ गए हो, कोई खाने पीने का बंदोबस्त बनाया कि नहीं? माशाल्लाह जवेरिया, ये तो आपने कमाल का दिया है। अब हमारे बुजुर्ग तो नीचे बैठ नहीं सकते, इधर पानी लगा हुआ है, इधर पानी लगा हुआ है, गीली जगह है, गीली है। उधर भी दूसरी तरफ भी, उधर से पता नहीं है, इधर से हम ऐसे समझे शादी गुजर गई। अच्छा अमीना, इधर आपके आपको आके इधर कैसा लगता है? नहीं, ये जगह कैसी है? बहुत अच्छी। पक्की गल सो? नहीं नहीं, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तेरी गाड़ी तो सोनी लगती ना। उधर उधर ना जाओ, रोड पे ना जाओ, इधर आओ, इधर आके बैठो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज घर वापसी की तरफ जा रहे हैं, तो हमने कहा है इसको हाथ नहीं लगाना, बिजली लगी हुई है, साइड पर हो जाओ, इधर बिजली है सारी। और ये देखे ना, ये बिजली खिला दी हुई है, ये कोई बत्तियाँ वगैरह जलाते हैं ना, इसलिए वो शू भी लगा खड़ा है, और नीचे वो भी है, तो ये लगाते हैं, ये बत्तियाँ रात को मेरे ख्याल जल जाती हैं, इसलिए जो है बच्चों को इधर से दूर रखें, बच्चों को इधर से दूर रखें, इधर बिजली है बहुत सारी, और वो एक लाइट ऊपर भी रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर बन रहे हैं, आपको ये माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हो सकता है माहौल अच्छा लगे। जब हम जा रहे थे तभी हमने वो दूसरा DHA जो है ना वो दिखाया था, अभी जो है ये वाला DHA दिखा दिया है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा DHA है। और वो दूसरी तरफ नहर जाते पुल निकाली हुई है ना, फिर वो देखें इधर, फिर ये DHA का निज़ाम है, बड़ा VIP, ये बहावलपुर में वाकई है। और इधर ना ज़मीनें मिलती हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी है, इधर ज़मीनें मिलती हैं, प्लाट घर ये वो सारा कुछ। और जिंदाबाद है अल्ताफ हुसैन, आज तो आपने दावत दे डाली, दावत दे डाली, वो भी खजूर होगी। अब ये जगह ऐसी है, उधर उधर भी पानी होगा शायद, लेकिन उधर आप बच्चों को लेकर जाना मुश्किल है। चलें जी, इधर बैठ के ही कोई बंदोबस्त कर लेते हैं, खा लेते हैं, दावत उड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है चलेंगे। अहमद दीन साहब जो है अभी पीछे हैं, और उसने फ़ोन किया है कि कहाँ पहुँचे हो, हमने उसको एड्रेस मैंने बता दिया है, अब वो आएगा फिर इधर आके फिर शोर मचाएगा। चलो जब तक वो आएगा इंशाल्लाह हम भी आगे निकल जाएंगे, हमने पार्टी इधर की बदल ली है ना। हाँ अगर अहमद दिन कुछ खिला देगा तो फिर उधर चले जाएंगे। अच्छा ये भी है, जलेबियाँ मिली है। आप अब हम दोनों आपकी तरफ हो गए। हम ऐसी चीजें खिलाएंगे जो आप। वैसे ना मैं एक बात सोच रहा था, आपने ना कुछ नहीं करना था यार, ऐसे मैसेज कमेंट हमें भी आते हैं, हम किसी से जिक्र भी नहीं करते उनका, क्योंकि हर किसी का अपना झगड़ा है, वो फिर गुस्सा सारा हम पर निकाल लेते हैं। बस वही हो गया ना, निकाल दिया मेरे ऊपर गुस्सा पर। चलो बैठो बैठो बैठो, अल्लाह पाक हर किसी को परेशानी से बचाए। आमीन। ये खाली है, गॉड इज अवर गॉड, ओके करें, गॉड करें, ये फिर आप बांटो, मैं बांटू। हां इधर रख, इधर रख ले, अभी इतना बाहर ये कितने चलो आ जाओ, अभी ले दे Let's go.
प्यारे दोस्तों, हम घर जा रहे थे लेकिन बारिश रास्ते में पहुंच गई। हमें बारिश ने पकड़ लिया। अब देखें कैसा माहौल है, मौसम है बड़ा VIP। सब लोग मेरे साथ हैं। एक बार हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई थी रास्ते में, फिर हमने इनको छोड़ा बाहर रोड पे। फिर हमने कहा यार आप जो है ना इधर रेस्ट करो, हम जो है पंचर लगवा के आते हैं। अहमद भाई की गाड़ी भी हमारे साथ थी, वो जा रही है आगे, तो हम जा रहे हैं पीछे। और बारिश जो है मूसलाधार हो गई है अब। और फिर उधर जब हम पंचर लगवा रहे थे ना, तब बारिश आने लग गई थोड़ी थोड़ी। तो अहमद भाई को मैंने कहा ओ लगता है जो सड़क पे हम बिठा के आए ना वो तो भीग जाएंगे। फिर उसने कहा नहीं, साथ में टोल प्लाजा है उधर चले जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी बोला है यार उनमें तो कोई अक्लमंद है तो नहीं जो ऐसा कर लेगा। वो बोलता है जहाँ जैसे लीक के नहीं दे देते जगह के दायरा मार देते हैं, उसमें आपने रहना है, बाहर इधर उधर नहीं निकलना, वैसा ही काम उन्होंने करना है। तो अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा बारिश होने से पहले ही हम वापस आ गए। और अभी जो है मूसलाधार बारिश भी आगे चली गई है, नहीं पीछे रह गई है, हम उससे आगे निकल आए हैं। लेकिन ये है कि अंधेरा काफ़ी हो गया है, आपको देखे कैसे नज़र आ रहा है ना, अजीब सा अंधेरा नज़र आ रहा है। रोड सारा, रोड के ऊपर पानी पानी है, आज ब्लू है पानी पानी, नीला नीला मौसम है। और सारे लोग जो है ना पीछे बैठे हुए हैं मौजें करके पकौड़े खा के। हाँ जी बैठे हो पकौड़े खा के? हाँ जी बैठे हुए हैं। हाँ जी देखें कैसे हम एडजस्ट कर लिया है सबको गाड़ी के अंदर। जो कहते हैं कि इतने सारे लोग कैसे गाड़ी में आए हैं। मेहरान एक पंखे की हवा कम कर दो, आप खुद देख लो कि कैसे हम एक पंखे की हवा कम कर दो इधर से एक आप देख लें, क्योंकि पंखा जो है शोर कर रहा था इसलिए आवाज़ समझ नहीं आती। हम दो फैमिलियाँ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह दो फैमिलियाँ वापस भी जा रही हैं। आप सब ने दुआ करनी है खैर खुशी से पहुँच जाएँ, क्योंकि मजबूरी है, अब सवारी नहीं है मुखलिस भाई की। और ऊपर से इतनी गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे छोटे ढोला देखें, बीबी जैनब मेहरान ये फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वैसे बसों पर तो आते जाते थे लेकिन गर्मी में ये कुछ ब्लड वगैरह का इनका इशू बन जाता है, जैसे सीने के ऊपर बोझ बन जाता है तो फिर ये उल्टियां करने लग जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। ये नंबरदार मुझे याद है छोटा होता था ना, ये आता था ये भी पीला हो जाता था, फिर उल्टियां ही कर देता था, साथ में जुलाब भी मार देता था। और मेहरान भी ऐसा ही करता था। मेहरान तो एक बार मेरे साथ आया था, तब ये बहुत छोटा था, तब इसने उल्टी कर दी थी। मैंने कहा वही यार उल्टी कर दी यार बस में, फिर बाद में नहीं की। चलें जी सफ़र हमारा जारी है, अभी कुछ सफ़र नबेड़ लें फिर उसके बाद जो है गप शप लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों अपने एरिया में पहुंच चुके हैं, और इधर भी बारिश है लेकिन इधर कुछ कम नज़र आ रही है, बारिश ज़्यादा नहीं है इतनी। और ये देखें हम अपने वाले फाटक पे पहुंच चुके हैं। इधर गाड़ी की लाइनें और इधर सामने फाटक, और इधर देखें बारिश और इधर देखें माहौल। बस अभी समझे कि हम घर पहुंचने ही वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंचने वाले हैं और खैर खुशी से पहुंच गए हैं। समझे कि आप सबका शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं करने का। और अभी घर चल के देखते हैं और घर का माहौल देखते हैं कैसा है, कि घर में कुछ सिस्टम सही है कि
उलट पुलट हुए पड़े हैं। ये सारी सूरत हाल जो है आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज धूप का तो एहसास ही नहीं है कहीं से भी, धूप के चांसेस भी नहीं हैं बिल्कुल भी, कहीं से भी धूप के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जैसे सर्दियों का मौसम होता था ना बादलों वाला, वैसा बना खड़ा है और सूरज हफ्ता हफ्ता भी नहीं निकलता था सर्दियों में, वैसी सूरत हाल है। और आगे देखें धुंध भी नज़र आ रही है, वो देखें थोड़ी थोड़ी ऐसे लगता है जैसे धुंध है। इस शीशे मुकरे वाले भाई वाले के साथ देखें शीशे को, धुंध जमी खड़ी है सारी ही। चलें जी गुड हो गया जी। हाँ जी पीछे वालो कैसा सफ़र गुजरा है? बहुत अच्छा सफर गुजरिया है। कोई सो तो नहीं गया? नहीं कोई नहीं सो रहा, हैदर सो रहा है। अच्छा आपकी बहन भी जाग रही है? हाँ जी वो भी जाग रही है। जाग रही हूँ टेंशन छोड़ो। अच्छा मैंने सुना था आप भी नींद कर जाती है? नहीं आज तो नहीं किया। चलो शुक्र है जी आज नींद भी नहीं की है। और खैर खुशी से सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह वापस पहुंच चुके हैं, अभी हम मिलेंगे फिर घर पहुंच गए। ठीक है आपने स्किप नहीं करना और देखनी है हम अपने घर कैसे जाते हैं और हमारा घर किस कंडीशन में है। तो चलिए जी आगे चलते हैं, वो देखें सामने हमारा घर है। इधर भी बारिश है अभी थोड़ी थोड़ी, इतनी खास तो नहीं है बस थोड़ी थोड़ी है। और इधर खड़ी करके गाड़ी को सबको निकाल देता हूँ फिर मैं अंदर घुस जाऊँगा अपने घर। पकड़ी बैठो खुली चलो जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी। हाँ मेहरान पहुँच गए। उधर से मैं खोल लूँ, इधर पकड़ो है जनाब। कहाँ पड़ी है? अंदर पड़ी है। आ जाओ बिस्मिल्लाह करके आ जाओ बिस्मिल्लाह करके। गाड़ी का वजन हल्का करो गाड़ी का वजन हल्का करो। अभी हमें उतरने दो फिर उठा लेना। जैसे जैसे आप बाहर निकलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे गाड़ी ऊपर उठती जा रही है। हाँ, वजन हल्का होता जा रहा है ना। वो देखो इतने सारे पकोड़े, ये पकोड़े तो साफ करो कवर वो साफ कर लो। वो देखो सीट में फंसे खड़े हैं और ये सारे नीचे गिराओ इनको। और ये देखें आप इधर का मौसम, ये देखें आप इधर का मौसम। Thank you.
चलिए जी अभी गाड़ी को अंदर खड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मामू जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्यों घुट रहे हो? माशाल्लाह पुलिस वाले लग रहे हो। सिर्फ ये टोपी खट्टी पा लिया है। नहीं ये इसका डिजाइन अजीब सा है, रत्ती पीली चिट्टी काली नीली। हैदर अली जो है ना वो सोया हुआ था, इसलिए शायद बेगम जो है उसे सुलाएगी, फिर उसके बाद जो है गेट खुलेगा। गेट खुल रहा है बल्कि ये देखें, वो खुल गया बेगम ने गेट खोल दिया। अभी होते हैं जी घर में इंटर। घर में इंटर हो चुके हैं जी और ये गाड़ी हमारी बंद हो चुकी है जी, और इधर मोबाइल वगैरह बाद में निकालते हैं, अभी माहौल बनाते हैं। माशाल्लाह वेलकम टू अपना तुम्हारा घर। वेलकम आपका भी घर। वेलकम टू चलेंगे आपका अपना घर। थोड़ी सी आगे का लेकिन सामान निकालने में आसानी होती है। उधर मैंने देखे गेट के ज्यादा पीछे। चलो और ये पानी भी टपक रहा है ना। ये छत पे फिर टपकता रहेगा, इसलिए मैंने इसको इधर रखा है ताकि शीशे पे टपकता रहे। ये नीचे गिर जाए। हाँ ये देखें इधर से टपक रहा है ना। हाँ अभी निकाल लेते हैं, फिर मैं बाद में थोड़ी पीछे कर लूँगा है ना। और जितनी सवारियाँ थी माशाल्लाह, और सामान भी दिखाते हैं। चलें ओपन करें डिग्गी को। हाँ देखें ये देखें, और इस सामान से डिग्गी भी भरी पड़ी है, बोरे भी हैं। ये बैग है, ये बोरा है, ये हमारा डेक है, और ये बोरा है, ये बैग है, ये कपड़े हैं सारा, वो देखें पर्स वगैरह है, बहुत सारा सामान है डिग्गी में भी। ये निकालें सारा सामान। एक बैग बड़ा वो भी है साथ, ब्लैक वाला, नीचे शापर भी है। ये तो मैं भूल गया था, इतना मतलब जुल्म किया गया है मेरी गाड़ी के साथ। चलो कोई नहीं, जब मुक जाएगी फिर मैं और कोई खरीद लूंगा, वो भी छोटे वाली जो सिर्फ चार लोगों को उठा ले, फिर हम उस पे 12 लोग बिठाएंगे। बस हमारा यही था ना। सारा कुछ निकाल लो, सारा कुछ निकाल लो। रास निकाल लिया। बारिश भी बरस रही है ये देखिए, और मैं सोल रूम के ऊपर दिखाऊँ, ये देखें बारिश बरस रही है। तो इधर मौसम की ये सूरत हाल है। इधर आगे हो जाओ इधर। और मैंने जो है ना छत पे चढ़ाया हुआ है सालन, दाल का सालन है। इधर देखिए दुआ करें कि मेरा सालन जो है ना बन जाए। ये अभी पक रही है, लकड़ियाँ जो ना मेरी गीली हो रही थी तो मैंने उधर रख दी हैं ताकि कुछ गीली ना हो, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा गीली हुई पड़ी हैं, जलती बहुत मुश्किल से है। तो बहुत ही मुश्किल से जो है ना मैं इधर चूल्हे के लकड़ी वाले चूल्हे के ऊपर सालन बना रही हूँ, और बारिश बरस रही है इसीलिए।
सालन बनाते हैं। अभी मौसम भी बहुत प्यारा हो गया है, अब ये नहीं पता कि पूरी रात ऐसे बारिश बरसती रहेगी या रुक जाएगी। मुझे तो लगता है पूरी रात बरसेगी। और असल वाली बात तो मैंने बताई नहीं, हमारा सिलेंडर जो है ना वो ख़राब हो गया है, क्योंकि उसका जो है ना जब मैं गई थी तो उसको बंद करके गई थी, तो अभी जब आई हूँ उसको खोला है तो गैस जो है ना चूल्हे में नहीं आता, और जहाँ वो रेगुलेटर लगा हुआ है उधर से गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो पैंप में जो है ना नहीं जाती, तो इसीलिए मैंने इधर जो है ना चढ़ाया हुआ है। तो कल जो है ना उसको बनवाएंगे।